कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जुड़ने और अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए जिस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं वह है नमो ऐप। नमो ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ऐप है। इस पर अभी तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। वहीं मेरठ से MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने एक सप्ताह से भी कम समय में अधिक से अधिक लोगों को इस ऐप से जोड़कर देश के टॉप 5 लोगों यानी विकसित भारत एम्बेसडर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर नितेश कुमार साहू, तीसरे पर सुशील सिंह, चौथे पर सिद्धार्थ अग्रवाल और पांचवें स्थान पर ऋतुराज सिन्हा ने अपना परचम लहराया है। MLC धर्मेंद्र भारद्वाज अब तक 1,53,000 से ज्यादा पॉइंट पाते हुए अपने नजदीकी विकसित भारत एम्बेसडर से खासी बढ़त बनाए हुए हैं। दरअसल नमो ऐप ने 600 जिलों के किसानों को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ने और उनका संदेश पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले PM ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर नमो ऐप पर एक सर्वे भी लॉन्च किया था। इस सर्वे में लोगों से उनके सरकार के परफॉर्मेंस की रेटिंग देने के लिए कहा था। यह मोबाइल ऐप आपको सरकार के कामकाज की जानकारी भी देता है। साथ ही इसमें इन्फोग्राफिक्स की मदद से आप यह भी जान सकते हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस से लोगों की जिंदगी सुधर रही है। इस बारे में विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने FirstByte.tv को आज यह जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को ट्वीट करके नमो ऐप पर बधाई दी है कि मैं प्रथम स्थान पर आया हूँ। और मैंने विकसित भारत का जो चैलेंज है 100 दिन का, उस चैलेंज में दूसरे सप्ताह में 8 से 14 के बीच में जो दूसरा सप्ताह चला हुआ उसमें विकसित भारत में प्रथम पोजीशन प्राप्त करी। उसमें टॉप 5 ही आते हैं इंडिया के अंदर और 5 पोजीशन में भी मेरा प्रथम स्थान आया। तो ये मेरठ के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक गौरवान्वित महसूस करने का दिन है। और इस दिन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके चरणों में कटिबद्ध होकर उनको प्रणाम करते हुए उनको समर्पित करता हूँ। और उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिन्होंने अपनी बधाई देकर के आशीर्वाद दिया और मेरे साथ जिन्होंने इसमें काम कर रहे हैं और काम मेरे अपने कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी लोग मेरे से जुड़कर नमो ऐप पर लगभग 70,000 आदमी जुड़ चुके हैं, उन सबको मैं पुनः बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं करता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।